इस वक्त मैं मौजूद हूँ चंदौसी विधानसभा 31 में और मेरे साथ हैं दलवीर जी जिनकी पत्नी मिथिलेश कुमारी जी 31 विधानसभा से कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं। मैं उनसे बात करूंगा चुनावी मुद्दे पर, किस मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरदार बलबीर सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी के पति। आपकी पत्नी इस बार विधानसभा 31 से चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस से, तो इस बार क्या मुद्दे रहेंगे उनके? मुद्दे यही रहेंगे कि आज का जो आवारा पशु है, किसान दिन भर काम करता है और रात के लिए पशुओं को रखाता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कि जगह जगह आदमी जो है, जैसे पहले तो मक्का के खेतों पर टांड लगाते थे, आज वो खेतों पर टांड लगाने पड़ रहे हैं। आपकी विधानसभा 31 में सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो 36 भी फटक के आती है, जिसको लेकर लोगों का यही कहना है कि अभी तक किसी भी सरकार ने उससे उसका समाधान नहीं किया और यहाँ फाटक पर घंटों लोग यहाँ खड़े रहते हैं और बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अगर हमें जनता से चुनती है तो हम सबसे पहला मुद्दा ये उठाएंगे कि यहाँ ओवर ब्रिज बनना ही चाहिए, क्योंकि जाम में आजकल जनता तो परेशान रहती है, अधिकारी फंसे रहते हैं 2-2, 3-3 घंटे जो निकलने को परेशान रहते हैं, जनता परेशान रहती है। आम जा रहा है कोई डॉक्टरी के लिए दवा लेने के लिए, पता लगे कि वो जाम में फंसा पड़ा है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि जाम वाला जाम लगा रहता है। क्षेत्र की जनता की सबसे बड़ी शिकायत है सड़कों की, सड़कें बेहाल हैं जी, ये तो आपने देखा ही है। जहाँ भी देखिए आप, इस पर चला जाइए हमारे रहोली रोड पर, कम से कम इतनी सड़क पर पानी रहता है, लोग निकलने को परेशान है, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं और आज तक इस सरकार में गड्ढे तो कहीं भरे ही ना, गड्ढे भरने का नाम पे जो है सेवा ठगी के अलावा कोई काम नहीं हुआ है, विकास तो हुआ ही नहीं है कहीं। अच्छा, जैसे इस समय कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों के बीच में आप अपने आप को कहाँ मानते हैं जी? ये जो दो पार्टियां इस समय जो संघर्ष कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी तो आपको पता ही है कि 5 साल अभी उन्होंने राज किया है प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी ने उससे पहले किया है, और काफ़ी लंबे टाइम से कांग्रेस की सरकार नहीं आई है, तो इस बार आप अपने आप को कहाँ खड़ा मानते हैं? इस बार हम तो अपने आप को हर जगह मैदान में खड़े हुए हैं कि ना तो जैसे आज अखिलेश भैया हों या जो है और सरकार है, आज कोई रोड पर नहीं उतरने को तैयार है, चाहे जो है जहाँ भी कांड हुए हैं, तो हमारी प्रियंका गांधी जगह जगह क्षेत्रों में मेहनत कर रही हैं, जा रही हैं, हर जगह दुख दर्द में साथ हो रही हैं, लड़ने को तैयार हर जगह, चाहे वो तुम्हारा लखीमपुर कांड हो, चाहे वह उन्नाव कांड हो, चाहे बागपत कांड हो, तो हर जगह मेहनत रोड पर कर रहे हैं। अच्छा, आप भी इसी विधानसभा के रहने वाले हैं, तो आपके ज़मीनी मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? देखो, महंगाई है, महंगाई की अगर ज़मीनी मुद्दे यही है कि अगर महंगाई इतनी बढ़ गई, चरम सीमा पर पहुँच गई कि जो सिलेंडर 400 रुपये का था, हैं उसमें भी हमें देखो महंगाई है, महंगाई की अगर ज़मीनी मुद्दे यही है कि अगर महंगाई इतनी बढ़ गई, चरम सीमा पर पहुँच गई कि जो सिलेंडर 400 रुपये का था, हैं उसमें भी हमारी सब्सिडी थी, आज वही सिलेंडर 900 रुपये का है, 950 रुपये का, तो ये महंगाई है। जो तेल 80 रुपये किलो बिकता था वो आज 200 रुपये किलो बिक रहा है, किसान मजदूर कहाँ से ये इतना पैसा लाएगा जो परेशान है आज।